हेलो स्टूडेंट, करते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है, रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5.2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? ठीक है, जो फाइंड करना है उसको पहले लेट कर लेते हैं। तो नंबर हम x मान लेंगे, दिया गया है इसमें रैशनल नंबर, हमने रैशनल नंबर को x मान लिया है। तो सच दैट द व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, अगर हम x को 5/2 से मल्टीप्लाई करें एंड ऐड किस में करना है, जो प्रोडक्ट है x और 5/2 का, उसमें 2/3 ऐड करें तो हमारे पास क्या मिलेगा, इक्वल टू -7/2। ठीक है, करते हैं, लेट द रैशनल नंबर इक्वल टू x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, रैशनल नंबर सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट, जब आप x को मल्टीप्लाई करते हैं 5/2 से, ठीक है, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट है इसमें अगर हम ऐड करते हैं 2/3 तो वी गेट, यानी हमको मिलेगा क्या, इक्वल टू -7/12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 5x/2 प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब x की टर्म एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, x का टर्म है 5/2x इक्वल टू -7/12, यहाँ पे है 2/3 वहाँ जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। 12 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 12 ऊपर -7, यहाँ 3 वाले को इससे डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा आंसर उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके ऊपर वाले से, तो 3 4 जो 12 होता है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जो 8, तो आंसर आएगा 15/12। ठीक है, काटेंगे इसको, 3 4 जो 12, 3 5 जो 15, तो आंसर आ जाएगा इसका 5/2x इक्वल टू -5/4। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे आएगी x वैल्यू, x इक्वल टू -5/4, 2 डिवाइड में है वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई में है यहाँ आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल 1 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड रैशनल नंबर, ये था क्वेश्चन नंबर 13।